हेलो गाइस, यहाँ पे ज़्यादातर सब बच्चों के डाउट होंगे कि सेकंड राउंड हमने सीट एक्सेप्ट कर ली, अब क्या करना है। मैं देखो, सेकंड राउंड की अगर सीट एक्सेप्ट कर ली है तो यहाँ पे अभी आप एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपके एक्शन में लिखा आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस। यानी अभी अंडर प्रोसेस है, अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके वीडियो चेकआउट कर लेना ज़रूर कि आपके रिमार्क्स में क्या होगी। तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट हो रहा है कि क्या नाम है, हमारे डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफिकेशन क्यों हो रहे हैं, जिन्हें राउंड फर्स्ट में भी मिली थी, अब राउंड सेकेंड में अपग्रेड कॉलेज मिल गया। तो यहाँ पर जिन्हें अपग्रेड कॉलेज मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो ड्यू नहीं करता। सबसे पहली चीज़, ड्यू नहीं करता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज करता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपका पहला जो कॉलेज मिला था उसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर चुका था, इस वजह से आपका फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट कर ली थी और एडमिशन हो गया था। अपग्रेड कॉलेज जो मिला है आपको, आपको जो अपग्रेड कॉलेज मिला, फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज मिल गया, तो हिंदू कॉलेज भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा से करेगा। ठीक है, आप काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे होंगे कि क्या नाम है, ये ऐसा हो सकता है, मतलब क्या नाम है, फर्स्ट कॉलेज ने हमें सीट दे दी थी और उसके बाद सेकंड हमें दे सकता है, डॉक्यूमेंट में कोई एरर तो नहीं आएगा। देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोई एरर नहीं होगा, डॉक्यूमेंट में कोई कुछ होगी, दिक्कत होगी तो डेफिनेटली कॉलेज आपको कॉलेज रिमार्क्स में लिखकर भेज देगा। ठीक है, कॉलेज रिमार्क्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, दोनों तीनों आप चेकआउट कर सकते हो सारी वीडियो। ठीक है, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा वेट करो, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, फाइनल अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आ जाता है, उसके बाद आपको फाइनल फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ी पेमेंट के बाद आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा 2 नवंबर से। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे इंस्टा पर पूछ सकते हो।